हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ALH वर्सेस SEI के मैच के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच के बारे में बात किए तो मैच स्टार्ट होने में अभी लगभग 28 घंटे बचे दोस्तों। तो पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि पिच रिपोर्ट के बारे में, उसके साथ साथ एवरेज स्कोर के बारे में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको 11 प्लेयर का स्टैट्स मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी कर लेना है कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं पहले आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा। ये पिच आपको फास्ट बॉलरों को अच्छा सपोर्ट करेगा दोस्तों। उसके साथ साथ एवरेज स्कोर की बात की तो फ्रेंड्स, 120 या 125 के बीच में स्कोर बनेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं अभी बता चुका हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। अगर बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको टेलीग्राम में चल जाके @ जो हो फैंटेसी सर्च करने से मेरा टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरे टेलीग्राम चैनल जो आपको 445 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। तो बाकी जो अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जे हो फैंटेसी जो बाकी दो अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल नाम से इन दोनों ने फेक अकाउंट्स बना लिए हैं, तो भूल से भी आपको इसमें ज्वाइन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो 445 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको ज्वाइन करना है। और मैं ये भी बता दूंगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होने से आपको क्या प्रॉफिट है। तो दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होंगे तो आपको प्रॉफिट के बारे में बता देता हूँ। अभी तक जितने आप लॉसेस हुए हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो आप जितने लॉसेस हुए हैं वो सब कवर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं फाइनल टीम भी दे देता हूं दोस्तों, तो आपको फाइनल टीम के हिसाब से आप जीत सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो आप जितने, फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, जितने लॉसेस में वो सब कवर करवा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जो आपको 445 सब्सक्राइबर्स दिखाई देना दोस्तों, उसमें ही आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और वे बॉलर की बात किया तो फ्रेंड्स, हम लोग 11 प्लेयर को पिक करते हैं। उसके साथ साथ 11 प्लेयर को स्टैट्स भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, 11 प्लेयर के स्टैट्स बताते बताते आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बता दूंगा दोस्तों, तो बिल्कुल भी आप फिक्र मत होइए। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आपको टीम भी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर पहले विकेट कीपर की बात किए तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स संशिखा को पिक कर लेते हैं, वो एक विकेट कीपर को पिक कर दें दोस्तों। और जाते जाते बैट्समैन की बारे में बात किए तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले बैट्समैन की बात किए तो नवाब धाका दादाकर को पिक करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एक बैट्समैन को पिक किया नहीं है। उसके साथ साथ मोहम्मद फारूक भी एक अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर तीसरी ऑलराउंड बैट्समैन की बात किए तो तीसरी ऑलराउंडर बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स, असन उल्लक को भी पिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर भाई चौथी बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स, खुदमनिक शेख को पिक कर लेते हैं दोस्तों। तो चार बैट्समैन को हम लोग पिक कर लिए हैं। उसके साथ साथ ऑलराउंडर की बात किए तो फ्रेंड्स, हम लोग तीन ऑलराउंडर्स को पिक करते हैं। सिरजा खान को अवश्य पिक करेंगे दोस्तों। उसके साथ साथ असलम को भी पिक करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर तीसरी ऑलराउंडर की बात किए तो मोहम्मद सकीफी को भी पिक कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग तीन ऑलराउंडर्स को पिक किए हैं। तो बाकी जो तीन प्लेयर्स हैं दोस्तों, उसमें आपको हम लोग बॉलरों को पिक कर लेते हैं। तो सजद शहजादे को हम लोग बॉलर में पिक करते हैं दोस्तों, और मिर्जा अहमद को पिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर तीसरी बॉलर की बात किया है तो एम मोहम्मद अनसर को भी पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लिए हैं फाइनली। तो फ्रेंड्स, ये 11 प्लेयर के स्टार्ट्स के बारे में बात किया तो फ्रेंड्स, विकेट कीपर सहन सहिशा की बात किया तो फ्रेंड्स, एक रन बनाए थे दो गेंदों में। तो फ्रेंड्स, लास्ट मैच में तो कोई परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन जो बाकी जो मैचेस में दोस्तों अच्छे परफॉर्म दे के आए थे। तो फ्रेंड्स, सर वही बैट्समैन के बारे में बात किया तो फ्रेंड्स, हम लोग चार बैट्समैन को पिक किए। वही पहले बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स, ये नवाब धादाकर है दोस्तों। तो इस प्लेयर के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स, 22 रन बनाए थे 21 गेंदों में। तो फ्रेंड्स, सर दूसरी बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स, एम फारूक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस प्लेयर ने 20 रन बनाए थे दोस्तों 10 गेंदों में। तो फ्रेंड्स, इस प्लेयर 20 रन
20 रन बनाए थे दोस्तों, लेकिन जो बाकी जो मैचेस में है अच्छे परफॉर्म देते आ रहे हैं। फ्रेंड्स 35, 45, 57 ना कितना बनाए थे दोस्तों लास्ट मैचेस में। तो फ्रेंड्स लास्ट मैच में थोड़ा तो स्कोर कम है, लेकिन बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा। तो जाते जाते तीसरी बैट्समैन की बात किए तो फ्रेंड्स असन उल्ला गए दोस्तों 30 रन बनाए थे सिर्फ 28 गेंदों में। तो फ्रेंड्स सर भाई चौथी बैट्समैन की बात किए तो कोदुवाली शीक है दोस्तों, इस प्लेयर ने भी 23 रन बनाए थे सिर्फ 12 गेंदों में। तो दोस्तों चार बैट्समैन को हम लोग तो आप लोग को स्टैट्स बता दिया हूँ। उसके साथ साथ ऑलराउंडर की बात के बारे में बात किया तो फ्रेंड्स सिरजा खान की बात की जाए तो फ्रेंड्स 2 रन बनाए थे 4 गेंदों में, उसके साथ साथ 4 ओवर डाल के 1 विकेट मिला दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस प्लेयर का स्टैट्स ये है। और उस दूसरे ऑलराउंडर की बात किए तो फ्रेंड्स मोहम्मद असलम है, 12 रन बनाए थे 11 गेंद में, उसके साथ साथ फ्रेंड्स 4 ओवर डाल के 1 ही विकेट मिला दोस्तों इस प्लेयर को भी। तो फ्रेंड्स सर वे तीसरे ऑलराउंडर के बारे में बात किया तो मोहम्मद शकीफ़ है दोस्तों, 1 रन बनाए थे 4 बॉल में दोस्तों। तो इस प्लेयर को भी 4 ओवर डाल के 1 ही विकेट मिला। तो फ्रेंड्स जो ऑलराउंडर्स हैं तीनों ऑलराउंडर को 1-1 विकेट मिला दोस्तों। उसके साथ साथ बॉलरों के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स बॉलर के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स पहले सजत शहजादे हैं दोस्तों, तो इस प्लेयर को भी 4 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था दोस्तों। तो अच्छे गेंदबाज किए थे दोस्तों उस मैच में लास्ट मैच में। तो फ्रेंड्स सर दूसरी और बॉलर की बात किए तो फ्रेंड्स मिर्जा अहमद है दोस्तों, तो इस प्लेयर के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स 2 रन बनाए थे सिर्फ 2 गेंदों में, उसके साथ साथ 4 ओवर डाल के तो कोई सफलता तो नहीं मिला था दोस्तों, लेकिन कमाल के बॉलिंग किए थे लास्ट मैच में। तो फ्रेंड्स सर तीसरी बॉलर के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स मोहम्मद अंसर है दोस्तों, तो इस प्लेयर के बारे में बात किए तो 18 रन बनाए थे दोस्तों 10 गेंदों में। तो फ्रेंड्स उसके साथ साथ 4 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था दोस्तों इस प्लेयर को भी। तो फ्रेंड्स हम लोग 11 प्लेयर को स्टैट्स के बारे में बता चुका हूं, उसके साथ साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात किया है तो हम लोग कैप्टन में बना लेते हैं एम फारूक को फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ वाइस कैप्टन के बारे में बात किए तो असन उल्लक को अब जरूर बना लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स जो प्लेयर्स को हम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन दिया हो तो इस प्लेयर को आपको बिल्कुल भी जज नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि स्कोर कम बनाए लेकिन जो प्लेयर हैं दोस्तों जो ये प्लेयर्स बैक टू बैक परफॉर्म देते आ रहे हैं उसके बारे उसके साथ साथ एक अच्छे बैट्समैन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हम लोग इस प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन तो बना लिए हैं, तो कैप्टन में एम फारूक है दोस्तों, और वाइस कैप्टन की बात किए तो असन उल्ला गया दोस्तों। तो फ्रेंड्स कैप्टन और कैप्टन बना लिए तो उसके साथ साथ एक बार मेरे टीम को भी देख लीजिए दोस्तों। अगर फ्रेंड्स विकेट कीपर की बारे में बात करें तो सजत सेहान शशिका है दोस्तों, तो फ्रेंड्स एक विकेट कीपर है। तो फ्रेंड्स अगर बैट्समैन की बात करें तो हम लोग 4 बैट्समैन को पिक किया, आसन उल्ला गया दोस्तों, एन दादाकर है, के शाइक है दोस्तों, एम फारूक है। तो 4 बैट्समैन को हम लोग पिक किए। उसके साथ साथ ऑलराउंडर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स सरजा खान है, मोहम्मद शफीक्यू है, मोहम्मद असलम है दोस्तों। तो 3 ऑलराउंडर्स हैं वो तो दोस्तों। और भाई बॉलर की बात की तो हम लोग 3 बॉलर्सों को पिक किया, एम अनसर है, मोहम्मद अनसर है दोस्तों, मोहम्मद अहमद है और सहद शहजादे है दोस्तों। तो अच्छा 3 बॉलर्सों को हम लोग पिक किए। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं समझेगा, मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों अगर आपको फाइनल टीम चाहिए होगा तो मैं इस तरह फाइनल टीम देता हूं दोस्तों आपको 445 सब्सक्राइबर्स में आपको इस तरह क्लिक करना है। तो दोस्तों इसी तरह मैं फाइनल टीम देता हूँ, आपको फाइनल टीम भी इसी तरह मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आपको मैं ये टीम दे रहा हूँ आप 3 स्वाट, 4 स्वाट, 5 स्वाट उसके साथ साथ हेड टू हेड में आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।